राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। आज व्लॉग बनाऊंगा, आज वीडियो नहीं बनाते। सुबह सुबह उठ लिए और मुंह धो लिया, ये भी यार पानी पुनी पी लें और फिर रोटी रोटी खा लें और फिर काम देखते हैं आज के स्टार्टिंग करना। बाकी यार फिलहाल भी टाइम 11:30 का, और 11:30 उठा मैं और रात सोया था 3 बजे, साढ़े तीन बजे लौटा था सोन के नाम का। 4 बजे के आसपास नींद आई होगी, बाकी 11:30 के आसपास उठा और ये मुंह धोया उठते फिर, और मेरे फोन पर 45 मिस कॉल आ रही। यो काम हो मेरे के लिए डेली, जब भी मैं लेट उठूँ नहीं 45-40 ऐसी मिस कॉल आई पाऊँ। तो कोई बात नहीं, ई रोटी रोटी खा लें और फिर मिलते हैं आप तक। भाई रोटी आएगी और मैंने मम्मी तो कह रखा मेरे लिए उन्होंने प्रॉब्लम है, और रोटी में घी ना रखा अगर, मतलब अली सुखी ही रोटी करके दे दिया अगर ना मात्र घी, बस थोड़ा सा घी। लेकिन माँ भाई माँ की ममता सब अलग हो यार, फिर भी बेचारी इधर कर ले जाओ। डॉक्टर ने मना कर रखा भाई तू घी ना खा कर और दूध भी थोड़ा कम पिया कर, तो एक बार फटाफट तक खाने और फिनिश कर ले। बाकी यार रोटी तो खा ली यार, एक या दो रोटी खाई जाओ, ज्यादा यार खाई जाने पता नहीं क्या चक्कर है, भूख तो इसी लग जाऊ, तो 4-5 खा जाऊँ मैं। और फिर जब खान बैठू ना, एक खाई दो खाई, तीसरी तो ज्वाइन बजती पेट में। बाकी आगे 12 बजे आसपास का टाइम हो रहा, और थोड़ी बहुत सफाई सफूई करने का प्लान है मेरा आज, भाई सफाई सफूई कर लें। ट्रैक्टर यार देखो दोनों ट्रैक्टर तो यहाँ खड़े हो रहा है ठीक है, और गाड़ी बाहर खड़ी, यहाँ नहीं खड़ी कर रखी और ना उड़ा खड़ी कर रखी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही। और एक जल्दी एक सरप्राइज भी आने वाला है, कल पर सुनाया जाएगा वो भी बढ़िया तगड़ा सा। तो आज ट्रैक्टर थोड़ा खड़ी करने की जगह कर लें, पीछे दड़ंगा उड़ंगा उठा ले। और कौन कौन आओगा मेरे साथ काम करवाने? कोई नहीं आओगे, इकल्ले नहीं करना पड़ेगा। तो जितना भी फालतू का सामान है सारा सारा उठाऊंगा यार आज, उठता आज तो बस दिमाग खराब हो गया। पहला भी कई बार ट्राई कर ली मैंने, 1-2-3 बार उठा लिया, लेकिन फिर पता नहीं अपने आप फिर इकट्ठा हो जाए, अपने आप तो फिर के इकट्ठा होगा, इकट्ठा तो हमें करें कई म्यूजिक सिस्टम खातर इकट्ठा हो गया सामान, कड़ी तौली पहने कड़ी स्प्रे स्प्रे खिंडरे, मतलब बुरा हाल हो रहा है। और ट्रैक्टर जब खड़ा करा है ना एक, हाँ इसने उठाऊँगा आज, उड़ता है चुन लेना मानु अरे उड़तना पैटिए ना, जो उड़ता पैट देता ना करता बाहर काट दूंगी। और पता क्या चक्कर हो रहा, जब टायर लेकर आवे ना तो इसके बराबर मंदे का आना पड़ा यार, फिर ओडा स्पेस कम रह जाए, और यो यहाँ तो चूल्हा उठ गया ना तो फिर ट्रैक्टर टायर यहाँ तो आ जाएगा और ओडा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा परली साइड। तो इसने मतलब तोड़ देनी है इस तरीके से, उठा लेंगे नीचे देने कोशिश करेंगे और इन्हें ओडर रख देंगे दूसरी तरफ। बाकी कोशिश तो है मेरी, टूटे नहीं हो, टूट गया तो नहीं फिर घर तक कटना पड़ेगा यार। तो एक बार फिलहाल कोई नहीं है, उरा रोहित भी बाहर किसी काम तो जा रहा और तो कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, एक अल्लाह हो। तो फटाफट तो लग जाओ, मैं स्टैंड ले जाऊँ, टाइम लैप चालू कर दो, आप देखो टाइम लैप में मैंने काम कर दिया है, स्टैंड लगा दिया, फोन भी धर दिया, तो वह बात है चल करो हो जाए शुरू, मेरे तर शुरू होने तो पहले पसीने आ रही, कोई बात नहीं काम। मोस्टली जगह खाली होगी यार, चूल्हा पैट गया माँ का, भूसा कर रिगोना छूना रिगोना तो मैं घर से बाहर काट दूंगी। थोड़ी देर रेस्ट, रेस्ट के बाद फिर काम। भाई यार एक बात तो है यार, घर के बुहारी काट यार, बहुत मेहनत वाला काम है यार, आज पता लग गया मन तो पसीने आ जाते भाई। कल हमने क्या क्या सफाई करी वो मैं यार दिखा नहीं पाया यार, थक गया यार, फिर मैं तो अपना जाओ सीधा सो गया मैं यार, सो जा कोई बात नहीं,
थकान यार ज्यादा महसूस हो शरीर में, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा। फिर दोबारा उठा, फिर दो तीन भाई फोन आ गया, उन्हें ट्रैक्टर के स्टंट की थोड़ी सी क्लिप लेनी थी अपने सॉन्ग खातर, तो फिर ओडा चले गए। ओडा यार गए मतलब 3-4 घंटे लग गए। फिर तो रात होगी, फिर रोटी राटी खाई, फोन फान चलाया, फिर सो गया। बाकी भी उठा और किके काम करा, अभी दिखाता हूँ आपसे। बीते देखो यो सारा एरिया क्लीन हो गया बिल्कुल, और भाई वेट वाट सारे सारे और जचा दिए। देखो स्प्रे, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7,000 रुपये के हो गए। 900 पता नहीं 1,000 रुपये का एक स्प्रे है। और जितने चाबी पाने सारे सारे रख दिए, और इस साइड तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ट्रैक्टर अग आने की और भी जगह है, यहाँ स्पेस बहुत हो गए, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बाइक उड़ा खड़ी होगी। और देखो जो चूल्हा तोड़ दिया, मतलब अग था यू ट्रैक्टर के टायर में अड़ा था, तो मैंने पीछे सरका दिया, और यू था ये पीछे सरका दिया। माँ बहुत गुस्सा, माँ ने बहुत गुस्सा करा भाई इस बात के ऊपर, कोई नहीं मैं फिर भी। और आज ट्रैक्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था लाइव में, स्वराज के टायर लेकर आने, तो आज चलते हैं टायर लेने के लिए। बाकी जो वो टायर पड़े उनका उनमें पानी है यार, कुकर करा यार, वैसे तो लोड नहीं होने के। तो वजन कितना होगा, वजन होगा उनमें मेरे ख्याल है अभी, इनमें वजन होगा भाई 1 क्विंटल तो इसका घेरेगा, इसका मान लो अच्छा 3 क्विंटल के आसपास पानी, मार लो 4-5 क्विंटल वजन होगा एक इसमें टायर में, और 10 क्विंटल है दोनों में इनमें। तो पानी निकाल लें, ले फिर इन घेर लो सारे ने, चल नूंदा करो इतना खींचने टायर ने, चल गिर दो, कमर तोड़ दे आराम से, गिर दो दूर, मुझे गया था तू जान नहीं बस। मैं रोटी रोटी खाया यार, भीतर जाएगा पानी इसमें कितना निकल रहा है, देखो प्रेशर कम हो गया इसका भी, इसका तो जमा कम हो गया होगा यार, पूरा चल रहा भाई। कोई नहीं, इतना मैं बुग्गी जोड़ दिया जिसमें टायर घेर कर लेके जाने। लो भाई इस ट्रैक्टर में भी टायर बदलवा के लेके आने, राइट ये लगी लाल इसमें गुड़ी के। और एक बार इसमें ये टायर वो है जो तो चुना में ले गए थे, इनमें पानी भर रहा शायद एक टायर में, तो शायद तो एक बार ना बुग्गी में धर ले और पिछाड़ दे ना। कर लो भाई ना स्टार्ट, गेट पकड़ियो एक बार, यू एक गाड़ी आ खड़ी होगी, एक ट्रैक्टर खड़ा हो गया, बैक मार लेंगे इसमें, लोड कर लिया टायर रोई दे, या कुर्सी उठा दे और तो स्टार दे और दे, और या कटोरी उठा दे और तो मानूंगी मैं इस ट्रैक्टर में बाहर निकाल लूँ, और फिर इसकी लिफ्ट आगे लेंट आ रहा ना उठा देंगे पीछे तो ये भी दिखाऊंगा किस तरीके कर लेंगे। आन दे पहले बुकी ना, आन दे पैकिंग टायरों की, चलो स्वराज देखाऊंगा, स्वराज दिलों की धड़कन तुम्हारी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, स्वराज भी लाई सिस्टम है भाई। चल भाई मार्शल अब इसकी, गया चूल्हा छो तोड़ दी, ये देखो भाई ऐसी कैबिन के भीतर लड़के ने मैट बिछवा दिया लाल रंग का, और शायद मतलब कई दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी इसके अंदर बैठ के, शायद सर्दियों की बात होगी जब इसमें दूसरे कलर का मैट था, फिर मैंने इससे कहा था मैं यू मैट बिछवा इसमें शायद, पक्का मेरे भी ध्यान नहीं। बाकी मैट यार एक नंबर वाला है लाल कलर में, टॉप का एक नंबर का, अरे इसमें मतलब जो ऐसे हैं रेड एंड ब्लैक भी आऊँ वो भी बहुत बढ़िया लग गया, जब स्वराज प्लेटफॉर्म स्टेट कराऊंगे ना
फिर दरवाऊंगे शायद सेम। मैं किन स्टीयरिंग भी चेंज करना चाहिए साइज का, अपन कर दिंदा हो बस। बजरंग बली मारे उधर धरे और इंस्ट्रक्टर हमने लिखवा दिया भाई हिंदू बार दिखाऊंगा किसी के लिए भाई। टायरा पर सारो से मार ला रे, फिल्म चढ़वा रखी इस पर। ट्रैक्टर ही फंस गया यार, देखो कितनी वार लगी। सुमित ने तो सीधा इसमें देख मारा, अगली नंबर प्लेट टूट गई, बाकी सो नहीं टूटी। यो बहुत फायदा रहा गया इस चीज का। बाकी गाड़ी और खड़ी कर दी और रेडी है भाई सुखचैन। पीछे गाड़ी के लिखा हुआ इंदू चेक कर, हम भी लिखवाऊंगे नई पेटी पे चेक कर। चेक कर साम्राज की वाह चेक कर। पानी देखो ना दिन कैसा रहा, मतलब नॉर्मली इसमें ज्यादा पानी नहीं रहा, इसके बराबर में एक नदी हो रहा ना है, आगे चल गए उसमें ज्यादा पानी रहा। हाँ वाइस तो बढ़िया उसमें करो वाइस में इतना रहा, आज इसमें पानी आ रहा। बाढ़ उम्र सात हो रही भाई मेरे ख्याल से, शायद मैंने एक वीडियो देखी थी ऋषिकेश की, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। थर्मल आ गया भाई थर्मल। पहुंच गए बाकी और दुकान पर ट्रैक्टर खड़े कराए, वीडियो भी चालू करी। जो ट्रैक्टर है टर्बो सुपर 3615 मॉडल, इसकी लिफ्ट में थोड़ी प्रॉब्लम पता नहीं हो रही है, पता नहीं इसकी ऐसी आओ पीछे था, इस पर सुपर सीटर नहीं उठता। तो आज देखेंगे चाना ड्राइवर बैठा दिया हमने, ठा था यू आ रहा है मेरा टायर क्या पीछे है 70 पीछे टायर है मेरा इधर। जनू जखड़े आओ आइए। हाँ बोल 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 और उठा दे, तो और उठा ले जितना उठाना है, बैठ भी जाओ बोला खुला है जा चढ़ जा बस सारे नहीं ओ सारे चल हाँ बोले और रोक दे नीचे करे तम यार ट्रैक्टर बूटा थोड़ी हो रहा है तो क्यों पड़ा करती आइए बस ओके भाई ओके पास है तो पूरी छुट्टी। अरे बस है वो सारे नहीं आई उड़ता तो आइए पास है था अरे पता रेस नहीं दे रखी हाँ बोली क्या कहना चाहूंगा ठीक है।